नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। महाक्ष स्कूल आप देखें टेक्निकल एक्चुअल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कन्फर्म तत्काल ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, अगर आप उस ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप 100% कन्फर्म तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर पाओगे किसी भी रूट का। अगर तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने की बात होती है तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप किसी टिकट एजेंट के पास जाइए और वहाँ से टिकट अपना बुक करवा लीजिए, या फिर रेलवे स्टेशन पे जाइए वहाँ से टिकट बुक करवा लीजिए। लेकिन अगर आप टिकट एजेंट से टिकट बुक करवाते हैं तो मान के चलो जो किराया होता है, जैसे मान लो किसी ट्रेन का 500 रुपये किराया है टिकट का, तो आपका जो है टिकट एजेंट वो 700-800 रुपये लेगा। मतलब पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं टिकट एजेंट, और काफ़ी ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, दुगने पैसे तक ले लेते हैं। और अगर आप रेलवे स्टेशन से टिकट बुक करवाने जाते हैं तो मान के चलिए कि सुबह, जैसे कि एसी का जो होता है वो सुबह 10 बजे टिकट बुकिंग शुरू होता है और स्लीपर का 11 बजे शुरू होता है सुबह, तो आपको सुबह ही जाना पड़ेगा, 6-7 बजे जाना पड़ेगा स्टेशन पे, वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको 10-11 बजे जो है टिकट मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा रेलवे स्टेशन पे। अगर टिकट एजेंट से टिकट बुक करवाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अभी लाइव कंफर्म तत्काल ट्रेन टिकट बुक करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय का फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लाइव दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने पर छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करते थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में ज़्यादा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ। इसमें डाउनलोड करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो इसमें अपना जो है पिन और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा इस पर। तो यहाँ पर देखिए चेंज रजिस्टर यूजर पर क्लिक करके अपना जो है सही सही डिटेल डाल के रजिस्टर कर लेना। मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, इसमें लॉगिन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए प्लान माई जर्नी पे सिंपली क्लिक करना होता है टिकट बुक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी ये नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, नीचे आना है और माई अकाउंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ माई अकाउंट्स पर क्लिक कर दिया, उसके बाद माई मास्टर लिस्ट पर क्लिक करना है दूसरे नंबर पे। उसके बाद में यहाँ पे ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिला है सबसे टॉप पे ऊपर, तो यहाँ पे ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है। ऐड पैसेंजर करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पैसेंजर का नाम डालना है सबसे पहले, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है पैसेंजर की, जो भी ट्रेवल करना चाहता है, और उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी होगा। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे आएंगे बर्थ प्रेफरेंस, यहाँ पे नो रखना होता है, तो नो अगर रखेंगे कोई भी खाली होगा तो आपको टिकट मिल जाएगा। यहाँ फूड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक आईडी कार्ड सेलेक्ट करना होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कोई भी आपको एक प्रूफ देना होता है। तो यहाँ पे हम आधार सेलेक्ट करते हैं और आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं अपना। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे, ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा, अब यहाँ पे देखिए इनवैलिड पैसेंजर आधार कार्ड डिटेल, यहाँ पे जो है आधार नंबर गलत बता रहा है, तो मैं अभी गलत ही डाला हूँ। आप सही सही डालेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ ऐड हो जाएगा आपका नाम, देख सकते हैं पहले से मेरा दो नाम यहाँ पे ऐड है। अब यहाँ क्या करना है, होम पे आ जाना ऐड होने के बाद में। अब प्लान माई जर्नी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना फ्रॉम स्टेशन, अब कहाँ से जाना चाहते हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं, ये आपको फ्रॉम और टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। कोटा सेलेक्ट करना है तत्काल का, तत्काल बुक करने बता रहा हूँ। उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है, जिस डेट को आप तत्काल करना चाहते हैं। तत्काल एक दिन पहले होता है, मान लो 1 जनवरी को बुक कर रहे हो तो 2 जनवरी का तत्काल होगा। अब यहाँ पे इंतज़ार करना है पूरे 11 बजे का, स्लीपर को करने जा रहा हूँ तो पूरे 11 बजे, 10:59 हो रहे हैं, पूरे 11 बजे सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। अब पूरे 11 बज गए हैं, हम सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हैं सिंपली उस पर आना है और उसके बाद स्लीपर पर क्लिक कर देना है। यहाँ रिफ्रेश होगा और यहाँ पे देखिए चेक कर रहा है कि सीट अवेलेबल है कितना, यहाँ पे देखिए सीट अवेलेबल है, ग्रीन हो चुका है, और इस पर टिक करना है। पैसेंजर डिटेल पर टिक क्लिक कर देना है, यहाँ एग्री कर देना है। अब इसको यहाँ पे ओके कर देना है। ऐड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करना है, पैसेंजर डिटेल जो पहले हमने ऐड किया था मास्टर लिस्ट में उसे टिक कर देना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपका पैसेंजर का, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना जरूरी है। उसके बाद नीचे आएंगे एड्रेस डालेंगे,
एड्रेस में सबसे ऊपर अपना एड्रेस डालेंगे, उसके बाद पिन कोड डालेंगे। यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ, आप जहाँ भी जा रहे हैं एड्रेस आपको पता होना चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस, पिन कोड यहाँ डाल देता हूँ। पिन कोड डालते ही आपका सिटी और स्टेट आ जाएगा, अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से पोस्ट ऑफिस अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे, भीम UPI करता हूँ, इंश्योरेंस यहाँ टिक करता हूँ, रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा फास्ट काम करना होता है तत्काल टिकट बुक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम कैप्चा डालेंगे, कैप्चा यहाँ दिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, जो सेम उसी तरह जैसा वहाँ लिखा है उसी तरह यहाँ डालेंगे। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, इसे यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए UPI हम सिलेक्ट किए थे, UPI सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद पे पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे करते ही यहाँ पे अब हम पेटीएम नंबर, यहाँ अगर पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं पेटीएम नंबर डालेंगे, UPI से करना चाहते हैं तो UPI, मैं UPI ID डालता हूँ, यहाँ पे अपना UPI हैंडल डाल देता हूँ यहाँ पे और पे पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस UPI पे रिक्वेस्ट, फोन पे हमने डाला था, यहाँ रिक्वेस्ट आ जाएगा, अभी 4 से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। यहाँ देखिए UPI 5 मिनट के अंदर मतलब पेमेंट करना होता है, वो तो रिक्वेस्ट तुरंत आ जाता है, यहाँ पे आ चुका है, इसे हम पे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, प्रोसीड टू पे, आपको UPI से पेमेंट कर देना है, जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे पेमेंट आप कर देंगे, ठीक है। पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको मिनिमाइज मतलब बैक नहीं करना है, आपको मिनिमाइज करके पेज पे उसी पे आ जाना है, ये ऑटोमेटिक बैक करेगा। यहाँ का अगर आप बैक कर देंगे तो क्या होता है कि कई बार पैसे कट जाते हैं और टिकट नहीं बुक होते हैं, तो बैक नहीं करना है, ध्यान रखना है, मिनिमाइज करना है उस पेज को, दूसरे पेज पे आ जाना है इस पे, ये ऑटोमेटिक बैक होगा। और यहाँ पे पेमेंट कन्फर्म होते ही यहाँ दिखा देगा, देख सकते हैं तत्काल कोटा नीचे आएंगे, हाँ यहाँ कन्फर्म टिकट हमारा बुक हो चुका है, देख सकते हैं कन्फर्म टिकट बुक हो चुका है। यहाँ देखिए कन्फर्म लिखा हुआ है, कोच नंबर 7, बर्थ नंबर 72, साइड अपर ऊपर का सीट है साइड का। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे 100% कन्फर्म तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप एक्सटेंशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कुछ ना कुछ दोस्तों को पता चल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।